गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग खुशी, अपूर्वा, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो एज यू नो दैट टुडे वी हैव टू रीड द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक। ओके एवरीवन, वी हैव टू रीड द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक एंड दैट इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सो बेसिकली हियर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुष्का। ओके, नाउ लिसन मी केयरफुली एवरीवन। Okay, everyone has to hear me carefully. Okay, today we will start the new chapter and that is the adventures of Toto. Okay, आज जो हम लोग नया chapter start करेंगे वो हमारा क्या है, the adventures of Toto. So in this chapter we will read about a wild animal which is a monkey, जो कि क्या है, एक monkey है, उसके बारे में हम लोग story को पढ़ेंगे। अब देखिए होता क्या है, जो narrator है उनके grandfather क्या करते हैं, basically in this story. Before teaching to all of you, let me tell you about the story. It has been written by Ruskin Bond. ये Ruskin Bond के द्वारा लिखा गया story है and you know very well about Ruskin Bond. आप सभी कोई Ruskin Bond के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो कि ये क्या बहुत एक short story लिखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, interesting story रहता है। Okay, और ये भी story बहुत ही interesting है, बहुत ही अच्छा है। Basically from this story we can also read that अगर हम लोग किसी भी एनिमल को अडेप्ट करना है, रखना है अपने पास, तो किस तरीके से रख सकते हैं, वी विल नो अबाउट इट। अगर आपको अच्छे तरीके से मालूम है, ठीक है ना, लुक आफ्टर करना, देन यू कैन, अदरवाइज देयर इज नो नीड। बेसिकली फ्रॉम दिस स्टोरी वी विल नो अबाउट दिस, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ओके एवरीवन, सो आर यू रेडी एवरीवन, टेल मी आर यू रेडी। ओके, yes, okay, so let us start. Yes, Riya, Ansu, everyone is saying that yes sir, yes sir. Okay, so let us start the chapter and read about it. Okay, chaliye hum log dekhte hain the adventures of Toto. So here the name is Toto, yahan pe jo, ready sir, yes Drishti, very good. To chaliye, to yahan pe hum dekhte hain jo Toto name hai, this is a name of a baby monkey. Ye kiska name hai, to ek baby monkey ka name hai, which is really a very good. Okay, तो चलिए सबसे पहले बिफोर टीचिंग टू ऑल ऑफ यू दिस चैप्टर लेट मी आस्क सम क्वेश्चन एंड आई होप दैट आज जो कोई भी आंसर देगा वो नो में ही देगा, राइट? तो चलिए जो बिफोर यू रीड पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं, आफ्टर दैट आई एम आस्किंग क्वेश्चन, उसके बाद मैं क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछता हूँ, मेरे साइड से भी नो ही है, ठीक है, देखना है कि आपके साइड से क्या है, यस है या नो है, ठीक है। तो पहला आप देखिएगा, एज इट हैज रिटन, यहाँ पर लिखा गया है, हैव यू एवर had a baby monkey as a pet, ठीक है, Toto is a baby monkey, let's find out whether he is a mischievous or docile. तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों से, as I told, I will ask a question, मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, and that is, have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी बेबी मंकी को, ठीक है ना, कभी भी पेट, ठीक है ना, आपने पास रखा है घर पे पेट बनाकर? Tell me everyone. Tell me, Shreya is saying no sir, no sir, Kusum is saying never. Okay, maybe after reading this chapter ko padhne ke baad, maybe it will happen that you people will, okay, maybe you people will, that want to take a pet of monkey, ठीक है, आप लोग चाहिएगा कि एक monkey को pet बनाकर, pet, ठीक है ना, अपने पास उसको रखें, adapt करें, तो देखते हैं। और लास्ट में आई विल आस्क टू एवरीवन, ठीक है ना, क्या अब आप बताइए, डू यू वांट टू मेक अ पेट ऑफ मंकी, क्या आप किसी मंकी को अडॉप्ट करना चाहते हैं? माय वॉइस इज क्लियर, क्या मेरा आवाज सभी को ही तो स्लोली आ रहा है क्या? टेल मी एवरीवन, क्या मेरा आवाज स्लोली आ रहा है? बहुत ज्यादा स्लोली आ रहा है क्या? बोलिए आप सभी, क्लियरली आ रहा होगा, क्लियरली यू आर लिसनिंग दैट, यू नो वेरी वेल अबाउट मी दैट आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग अलाउडली, मुझे आदत भी है जोर जोर से बोलने की। नो सर, योर वॉइस इज क्लियर, थैंक यू प्रज्ञा। सो चलिए, तो बेसिकली अभी हम लोग जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग एक स्टार्टिंग या बिगनिंग का जो होता है ना बेस, वो बना रहे हैं। ओके, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड, उसके बाद हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके एवरीवन, सो बेसिकली अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर टोटो किसका नाम है, तो इट इज अ नेम ऑफ अ बेबी मंकी, ये बेबी मंकी का नेम है। ओके, और चलिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे वेदर
He is, यहाँ पे he जो word use किया गया है Toto के लिए use किया गया है. Toto is who? Toto कौन है यहाँ पे? Then that is a monkey. यह एक monkey है. Okay. तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे. So let's find out whether he is mischievous or docile. Okay. तो चलिए देखते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं क्या जो Toto है वो mischievous है, शरारती है या docile, एक बहुत ही शांत type का monkey है. You know very well about the behavior of monkey. ठीक है ना, शरारती समीर, शरारती और docile means शांत टाइप का. ठीक है ना, तो यू नो वेरी वेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ मंकी, क्या वो लोग शांत रहते हैं? टेल मी यस और नो. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट एवर यू आर थिंकिंग यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. ओके, ये नहीं समझना है कि इफ आई एम सेइंग दैट विल बी रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू पुट योर ओपिनियन. Okay, everyone? Okay, Sriya is saying, sir, no, sir, no, sir. Everyone is saying that no. Very good. They don't stay calm. Very good. No, sir. They are moving here and there. Very good, Akshar. Very good, yes. So, जैसे आप लोग बता रहे हैं, सही में इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे, okay? और जहां तक हम लोग देख रहे हैं, as we are getting a clue, the adventurous. तो adventurous देखने ही से लग रहा है, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं ये तो docile टाइप का नहीं है. ठीक है ना, ये क्या है, शरारती है, mischievous है. ओके, अरे बात समझ में ना. तो यहाँ से तो हमें क्लू मिल ही रहा है, फ्रॉम दैट द हेडिंग वी आर गेटिंग दैट द क्लू, यहाँ से हम लोग को क्लू मिल ही रहा है ये क्या है, एडवेंचरस है. ओके एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर एंड रीड अबाउट इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रैंडफादर ब्राउट, अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर की चर्चा की जा रही है जी, यहाँ पे तो नैरेटर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं. ओके, सो नखत, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस, आफ्टर दैट आई विल टेल, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अबाउट इट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, ग्रैंडफादर बाउच Toto फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. ओके, अब देखो ग्रैंडफादर यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है, नैरेटर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं. ओके, नैरेटर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं. रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखा गया है. ठीक है, तो मे बी हो सकता है उन्होंने एक फिक्शन बनाया, स्टोरी बनाया उसके बारे में. ठीक है, रियलिटी थोड़ी हो सकता है ऐसा कि यू आर टेलिंग दैट रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर, ऐसा नहीं. वो एक जो नैरेटर है, ठीक है, वो बता रहे हैं उनके ग्रैंडफादर. ओके एवरीवन, वो क्या करते हैं, वन मिनट गाइस. ओके, तो यहाँ पे हमने ग्रैंडफादर की चर्चा की, तो ये नैरेटर के क्या है, ग्रैंडफादर हैं. वो क्या करते हैं, एक टोंगा ड्राइवर से, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट द टोंगा ड्राइवर जिसमें हॉर्स रहता है पीछे से कार्ट टाइप का रहता है, दैट इज कॉल्ड टोंगा. यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. ओके, सभी को इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते टोंगा के बारे में? यस सर, नो, यस सर. चलिए, तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में? यस सर, आई नो, एवरीवन इज नोइंग अबाउट दैट, आई नो दैट. ओके, सभी को इसके बारे में जानते हैं. ओके एवरीवन, तो अब होता क्या है, ठीक है, वहां से इनके ग्रैंडफादर 5 rupees देकर उस टोंगा ड्राइवर से क्या करते हैं, उस मंकी को परचेस खरीद कर लाते हैं. यस, हॉर्स कार्ट. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रक एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फिलो टू हिज प्राइवेट जू. ओके, अब देखिए होता क्या है, ठीक है, देखते हैं. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. अब देखो feeding trough होता है क्या है? जैसे कि आप generally देखते हैं ना, एक cow को खिलाने वाला एक जो container रहता है, that is called container. Container आप देखते हो कि नहीं देखते हो? इसमें cow को खिलाया जाता है. Basically आपने देखा होगा जहाँ पे cow के लिए रहता है, even horse के लिए रहता है, जो एक container बनाया रहता है. तो उसी container के पास इस monkey को उसने क्या किया था? Tied किया था, बांध कर रखा था. Okay everyone? ठीक है,
And the monkey looked so out of place there, the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जब वहां पे ग्रैंडफादर ने देखा उस मॉन्की को, ठीक है, कि वो अपने सही जगह पर नहीं है, he is not at the right place, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, ठीक है, ओके, आई सी वेन आई गो टू ब्रिंग मिल्क, यस समीर, ठीक है, वेरी गुड, ओके, तो देखो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको लगा कि ये सही जगह पर नहीं है, ठीक है, इसको कैसे ये टोंगा ड्राइवर टाइट करके बांध कर रखा हुआ है, इट इज नॉट अ राइट प्लेस फॉर दैट मंकी, इस मंकी के लिए ये क्या नहीं है, सही जगह नहीं है, ओके, तो अब क्या करते हैं वो उनसे, तो जो टोंगा ड्राइवर थे उनको 5 रुपीज देकर उसको खरीद कर लाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जो उनका एक प्राइवेट जू है, प्राइवेट जू इट मीन्स व्हाट, प्राइवेट जू कहने का मतलब क्या है इनका यहाँ पर, प्राइवेट जू मीन्स ना इससे पहले भी इनको शौक है, फॉन्ड है, ठीक है, बहुत ही शौकीन है ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसको, ठीक है ना, अडॉप्ट करने का, ठीक है, और उसको अपना पेट बनाने का, अरे बात समझ में, तो उनके पास बहुत सारे उनके प्राइवेट जू में, ठीक है, जो प्राइवेट जू जहाँ पर एक प्लेस है वहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को रखे हैं, तो सोचते हैं कि वहीं पर ले जाकर मैं इसको रखूंगा, ओके, अब इसके आगे वाले पैराग्राफ में वी विल रीड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ टोटो, टोटो का अपीयरेंस कैसा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, तो देखो अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है, टोटो क्या था, तो देखने में से खूबसूरत था, प्रीटी था, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, ओके, तो अगर बोल उन्होंने बताया ना, सबसे पहले अपीयरेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने बताया ये जो टोटो है उसका, ठीक है, ये जो टोटो है वो देखने से काफी प्रिटी है, ठीक है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, देखने से गुड लुकिंग है, ठीक है ना, हिज ब्राइट आईज स्पार्कलिंग, तो जो उसका ब्राइट आईज है ना वो काफी ज्यादा क्या करता है, स्पार्क करता है, और उसके अंदर, ठीक है ना, उसके आईब्रोज के अंदर, ठीक है ना, ये उसका शैतानी मिस्चीवियस शरारती, ठीक है ना, वो कितना शरारती, वो सब सारा कुछ सीन हो रहा है, दिख रहा है, एंड हिज टीथ व्हिच वर अ, अब देखो उसके बाद अब किसकी चर्चा की जा रही है, तो उसके टीथ की चर्चा की जा रही है, ओके एवरीवन, तो कहीं ना कहीं हम सेकंड जो हमारा, ठीक है, पैराग्राफ है इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, तो अपीयरेंस के बारे में देख रहे हैं, राइट एवरीवन, किस चीज के बारे में देख रहे हैं, अपीयरेंस के बारे में, ठीक है, ओके, एंड हिज टीथ व्हिच वर अ पर्ली व्हाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल एंड फ्राइटेंड द लाइफ ऑफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, ओके, तो देखिए, तो पहले सबसे पहले हमने उसके आईज को देखा, उसका आईज काफी ज्यादा स्पार्कल कर रहा था, ठीक है ना, और उसके आईब्रोज के नीचे, ठीक है ना, बेनिथ से नीचे से वो दिखाई दे रहा था, वो कितना मिस्चीव है, शरारती है, इट मींस ये भी सीम हो रहा था कि वो देखने में तो प्रिटी है, ठीक ठाक है, बट वो शरारती भी है, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके अपीयरेंस से भी ये देखने से लग रहा था। उसके बाद जब नरेटर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके टीथ की, तो एकदम पर्ल्स की तरह, ठीक है ना, मोती की तरह उसका दांत व्हाइट दिख रहा था, ठीक है, जब कभी भी वो स्माइल करता था तो उसको देखकर जो एल्डरली बड़ी औरतें होती हैं एंग्लो इंडियन, समझना है, ठीक है ना, ब्रिटेन और इंडियन, रिलेटेड टू ब्रिटेन और इंडियन लेडी, अरे बात समझ में ना, जो रिलेटेड होती हैं किससे, इंडिया से भी और ब्रिटेन से, दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियन, उसे क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन लेडीज, तो देखकर क्या हो जाती है, काफी ज्यादा वो डर जाती है, अरे बात समझ में, बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स, ठीक है, बट अगर जब वो उसकी हाथ की बात कर रहे हैं, मॉन्की की उसकी हाथ की बात कर रहे हैं, तो कैसा देखने से लग रहा है, एकदम सूखा लग रहा है, और ऐसा मानो कि, ठीक है ना, जैसे हम लोग पिकल को, ठीक है, अचार को क्या करते हैं, सन के सामने रख देते हैं, ठीक है ना, सूखने के लिए, वैसे ही उसका हैंड देखने के बाद ऐसा अपीयरेंस दिख रहा था, ठीक है, इस सन के सामने काफी इयर्स के लिए हैंड को किसको, पिकल्स को रख देते हैं, ओके एवरीवन, सो दैट वाज लाइक दैट, वो भी ऐसा ही था, Getting everyone? Getting? Okay, तो आप मेरे को बताइए क्या यहाँ तक में कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक बार थोड़ा सा देखकर मुझे आप लोग बताइए, तो बताइएगा, बताइए, स्टार्टिंग से अभी तक हमने पढ़ा, फर्स्ट हमने पैराग्राफ को क्लियर किया, आफ्टर दैट वी आर रीडिंग द सेकंड पैराग्राफ, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इसके भी हम लोग
Yes, he is saying that no problem, sir. Very good. Apurva, no, sir. I will ask to everyone. Okay, so everyone has to understand. अगर आपको problem है, then you may ask. आप पूछ सकते हो, no, sir. It is clear. Very good. प्रज्ञा, उसी very good. Everyone has to message. ऐसे में को मालूम ही चलेगा how many people are attending the class. ठीक है? So सभी कोई को बोलना है yes sir या no sir. I'm just giving you time for 1 minute. Very clear. Very good. Clear, sir. Got it. Very clear. Very good. Very good. Miss, आपने बोला yes sir. चलो बताओ तो अभी तक मैंने क्या बताया है, miss? आओ यहाँ पे आओ. Come here, miss. Yes, sir. तो बताओ भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा एंड आफ्टर दैट वी आर अबाउट टू कंप्लीट सेकंड पैराग्राफ आल्सो सो टेल मी अभी तक हमने क्या पढ़ा टोटो के बारे में क्या जाना सर का आप सर टोटो एक प्रीटी मंकी है बेबी मंकी या मंकी एक और मंकी है इसके बारे में मालूम करना है वो अभी बेबी मंकी है ठीक है ना अभी यस सर उसके आंख स्पार्कल कर रहे हैं ओके और वो कोई एंग्लो लेडी की तरह स्माइल कर रहा है एंग्लो लेडी की तरह स्माइल कर रहा है ये मैंने बताया जब भी वो स्माइल करता है तो जो एंग्लो इंडियन होती है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन हम किसे कहते हैं ठीक है ना मैंने अभी yes. ये बताया क्या बताया एंग्लो इंडियन अ पर्सन रिलेटिंग टू ब्रिटेन एंड इंडिया ठीक है ना yes. वो लेडीज yes, या वो पर्सन ठीक है ना जो ब्रिटेन yes, और इंडिया दोनों से क्या करते हैं रिलेट करते हैं ओके यस सर यस सर अपूर्वा आई विल गिव यू चांस ओके ओके अपूर्वा आई विल आल्सो गिव यू चांस फॉर स्पीकिंग ओके अभी चलिए हम आगे देखते हैं तो अभी तक हमने देखा ओके एवरीवन अब देखो तो अभी हम उसके हैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वो ऐसा लग रहा था उसके हैंड्स को देखने के बाद ड्राई सूखा कि जैसे कि पिकल्स जो होता है ना अचार होता है उसको काफी सालों तक सन में रख दिया जाता है सूखने के लिए ड्राई होने के लिए इट वाज लुकिंग लाइक दैट वो ऐसा दिख रहा था ओके एवरीवन येट हिज फिंगर वर क्विक एंड वीक ठीक है ना अब देखो अब समझते हैं ठीक है और उसका जो फिंगर था वो भी क्या था तो काफी क्विक था और वो काफी ज्यादा क्या था तो शरारती था ठीक है ना एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड्स लुक ग्रैंडफादर्ड ओके अगर हम उसकी टेल की चर्चा करते हैं एडिंग टू हिज गुड लुक्स अगर गुड लुक्स किसी का देखना है तो उसके ग्रैंडफादर का ये मानना था ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवनस गुड लुक्स ठीक है कि जो टेल होता है वो किसी के लुक्स में उसको और एनहांस कर देता है उसका लुक्स अच्छा लगने लगता है इसके ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था ओके आल्सो सर्व अ Serve as a third hand. और जो उसका tails है, अगर हम specially monkey के tail की चर्चा कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है? वो third hand की तरह serve करता है. Okay, everyone? वो कैसे serve करता है? That looks like a third hand. Why we are saying like that? Because वो क्या करते हैं? आप देखिएगा. If you have seen that, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा अपने tail का use करते हैं, help लेते हैं कोई भी work में. ठीक है? Generally आपने ये भी देखा होगा कि वो क्या करते हैं? Branches में, ठीक है ना? बनाना को तोड़ लेते हैं यस बनाना को भी तोड़ लेते हैं यस सके तो जनरली आपने देखा होगा ना कि अपने पूंछ की सहायता से वो क्या करते हैं अपने आप को टर्न कर कर और एक जगह से दूसरे जगह जंप भी करते हैं ओके तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अपने टेल का यूज करते हैं दैट्स व्हाई हियर नैरेटर इज सेइंग दैट इट इज द थर्ड हैंड ऑफ अ मंकी ठीक है ना ये तीसरा हैंड होता है मंकी का क्या व्हाट इज दैट टेल और उनके ग्रैंडफादर का ये मानना था जो टेल होता है ओके यस इन क्लाइंबिंग आल्सो helping in help for eating and climbing yes apurva tab to unhe bhi tail nahi hone ka dukh ho raha hoga ha akshay kah sakte ho aap ab unko bhi dukh ho raha hoga ki unka tail nahi hai theek hai chaliye no comment us pe aage badhte hain hum log theek hai na
He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. देखो scooping means होता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाना पकड़ना okay और उसको अच्छे तरीके से क्या कर लेना ठीक है ना ठीक है किसी भी चीज को अपना भोजन बनाना ठीक है उसको करना. Grandmother always first. First means होता है annoyed. What is the meaning of first? Annoyed. What is the meaning of first, everyone? Annoyed. Okay. So grandmother, जो उसकी grandmother थी narrator की, grandmother always first when grandfather brought home some new birds or animal. तो जब कभी भी ठीक है narrator के grandfather किसी animals को या किसी bird को घर लेकर आते थे तो उनकी grandmother जो थी काफी ज्यादा गुस्सा होती थी ठीक है ना. तो इस बार भी जाहिर सी बात है कि वो गुस्सा होंगे. ओके तो देखिए ये लोग प्लान क्या बनाता है ठीक है ग्रैंडफादर उसके और खुद नैरेटर व्हाट दे आर मेकिंग अ प्लान. वो लोग क्या प्लान बना रहे हैं. ओके सो इट वाज डिसाइडेड दैट उन लोगों ने डिसाइड किया निर्णय लिया दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड. ओके उन्होंने प्लान बनाया कि जब तक ग्रैंड मदर का मूड बढ़िया नहीं होगा कब एक टाइमिंग होता है ना जब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उस समय तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हो जब वो काफी ज्यादा गुस्सा में रहते हैं कि बताते हो जाके बताते हो कुछ जो लोग होते हैं जो बता देते हैं राइट बट कुछ बच्चे होते हैं वो वेट करते हैं इंतजार करते हैं. अपूर्वा बोली नो सर मैं नहीं बताती हूँ. वेरी गुड इट मीन्स गुस्सा में जब रहते हैं हमारे फादर्स या हम फादर की बात कर रहे हैं हमारे फादर या मदर तो क्या हम लोग बताते हैं. टेल मी नहीं ना बताते हैं वेट करते हैं कब उनका मूड सही हो जाए आफ्टर दैट वी विल टेल बिकॉज उस समय बताने पर क्या होगी यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. देखो मिसेस लाफिंग वो बता रही है सृजा आल्सो बता रही है लाफ करके कि सर क्या होती है नो तो कोई नहीं बताता है. ओके तो वेट करते हैं हम लोग कि जब उनका मूड सही होगा काफी ज्यादा खुश होंगे अगर उस समय जाकर जो हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है उसको भी बताएंगे तो वो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम थोड़ा सा गुस्सा होके ठीक है ना उसके बाद शांत हो जाता है लोग राइट एवरीवन. तो ऐसे ही यहाँ पर ठीक है ग्रैंडफादर और उनके जो ग्रैंडसन है उन दोनों ने क्या बनाया प्लान बनाया कि वी विल नॉट टेल अबाउट टोटो टू ग्रैंड मदर. हम लोग ग्रैंड मदर को टोटो के बारे में नहीं बताएंगे कि हम लोग टोटो को लेकर आए हैं ठीक है जब उनका मूड बढ़िया होगा जब कभी काफी खुश होंगे देन वी विल टेल ठीक है ना हम लोग बता देंगे टोटो के बारे में. ओके सो यहाँ तक समझ में आ रही है बात. देखो अब होता क्या है. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो उन्होंने decide किया कि जब तक ठीक है ना grandmother का mood ठीक है ना सही नहीं होगा बढ़िया नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करते हैं Toto's को ठीक है ना secret तरीके से छुपा कर अपने घर में रखते हैं. Okay everyone, grandfather and I put him away in a little close opening into my bedroom wall where he was tied securely or so we thought to pick fastened into the well. अब देखो होता क्या है उन्होंने क्या किया उसको अपने रूम में ले जाते हैं ठीक है ठीक है क्योंकि नैरेटर के ठीक है रूम में लेके जाते हैं इसको और वहां पर ले जाकर बेडरूम में क्या करते हैं वाल के पास उसको ठीक है ना टाइट कर बांध देते हैं ठीक है क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट दैट अगर उसको बांध कर नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा. आ रही बात समझ में ना. वो अगर वो बांध कर नहीं रखेंगे तो क्या करेगा वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करने लगेगा और मालूम चल जाएगा. यही कारण था उन्होंने उसको क्या किया कि काफी टाइटली और सिक्योर तरीके से वाल के नजदीक ठीक है ना फिक्स कर उसको बांध दिया था ठीक है. अब देखो कुछ देर के लिए वो चले जाते हैं. अ फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटों के बाद आते हैं व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक वापस आते हैं टू रिलीज टोटो ठीक है ना टोटो को क्या करने के लिए रिलीज करने के लिए छोड़ने के लिए ठीक है जो उन्होंने उसको टाइड किया था बांधा था वहां से. वी फाउंड दैट द वॉल व्हिच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स. ऑर्नामेंटल मींस क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द वर्ड ऑर्नामेंटल पेपर chosen by grandfather now stood out as naked big and plastered ठीक है. जब वो थोड़ी देर के बाद आते हैं तो उन्होंने क्या देखा ठीक है पहले तो उसे उन्होंने क्या किया था वाल के नजदीक ले जाकर उसे टाइड कर बांध कर रख दिया था राइट एवरीवन. अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उसके grandfather और वो दोनों आते हैं देखने के लिए रिलीज करने के लिए और टोटो को वहां से लेकर दूसरी जगह जाने के लिए.
बट देखते जैसे ही आते हैं, ठीक है ना, जो वाल था यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाल कितना मतलब खूबसूरत है देखने में, है ना, एकदम डेकोरेटिव है, ऑर्नामेंटल है। तो उसे क्या किया था, उसने अपना पूरा फोर्स लगाकर, बल लगाकर पहले तो उसने अपने आप को रिलीज किया, तोड़ दिया, और जो वाल पे इतना अच्छा डेकोरेटिव था, सब डेकोरेटिव बनाया गया था, वहां का बस केवल ब्रिक्स दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, और डेकोरेशन से जो बड़ा हुआ था वो वाल दीवार एकदम खराब हो चुका था। ओके एवरीवन, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट स्टेप ऑफ मिस्चीवियस टोटो, ठीक है ना, मिस्चीवियस यानी शरारती टोटो का आपने पहला वर्ग देखा, उसने क्या किया, वाल को पूरी तरीके से खराब कर दिया। ओके एवरीवन, और वो वहां पर था भी नहीं। अब देखो आगे देखते हैं, उसके बाद क्या होता है। ओके, बांधना समीप पहली तरीके। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked bricks and plaster. ठीक है ना, वो क्या था? पूरा वो दीवार खराब हो चुका था और वहाँ पर वो Toto नहीं था। As I told, the peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. अब देखो shreds है, यहाँ पे एक word है shreds. Shreds भी होता है ना, छोटे-छोटे part में उसको क्या कर देना, cut कर देना, broken in a little piece. Okay? अब देखो यहाँ पे wrenched means क्या होता है ना, तोड़ना, broke करना, ठीक है ना? Wrenched means क्या होता है, तोड़ना। जो socket में उसको बांधे थे दीवार में, वो क्या था, तो socket टूटा हुआ था। Okay everyone? अरे बस समझ में। और जो उसी bed में, room में जो बेडरूम था नैरेटर का, वहां पर उसका जो स्कूल ब्लेजर क्या था, हैंग किया गया था, टांगा गया था, वो क्या था, तो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको उसने क्या कर दिया था, कट कर दिया था, फाड़ दिया था। आई वॉन्टेड दैट, ठीक है ना, वो क्या थे, काफी ज्यादा वो आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित हो गया। वॉन्डर मीन्स आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। ओके, आई वॉन्टर व्हाट ग्रैंडमदर। ओके, तो आपने अभी देखा यहाँ पर दो वर्क, इसका पहला क्या, तो पहले उसने क्या किया कि वो दीवार जो डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल्स बहुत ही अच्छे तरीके से, वॉल जो ठीक है डेकोरेटिव था, सजाया हुआ था, ठीक है ना, वेल मेंटेनेंस था, उसको उसने ऐसे तरीके से खींचा, अपने आप को फ्री कराया कि वो भी टूट गया। वॉल का केवल अब क्या दिखाई दे रहा था, ब्रिक्स दिखाई दे रहा था, उसका प्लास्टर भी ऊपर का क्या हो चुका था, हट चुका था, जो पेंट था इट वाज आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिक, वो भी अलग था उस ब्रिक से। ओके एवरीवन, आई वंडर्ड व्हाट grandmother would say. वो काफी ज्यादा सरप्राइज था कि अगर इस चीज, सारे चीज के बारे में अगर grandmother जानेंगी तो वो क्या बोलेंगी, ठीक है ना, वो क्या कहेंगी, क्या उनका रिएक्शन होगा। वैसे ही वो गुस्साई रहती हैं जब grandfather किसी एनिमल्स को लेके आते हैं, तो अगर ये सारा कुछ देख ले कि उसने मेरे ब्लेजर को कट कर दिया है छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, उसने दीवार को जो वॉल है उसका भी काफी, जो पेंटिंग काफी खूबसूरत था उसको भी उसने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया। ब्लेजर ऑफ नैरेटर साके, यहाँ पे आई यूज हुआ है, वो नैरेटर की बात हो रही है, ठीक है, किसके बेडरूम में मंकी को बांधा गया था, तो नैरेटर के, आई बस में ना, बेडरूम में। गेटिंग साकेत, समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, बट अभी उसके ग्रैंडफादर का रिएक्शन क्या था, वो सारा कुछ देखने के बाद में ना एक्टिविटी, वो अभी भी क्या थे, प्लीज थे, काफी खुश थे। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। अब देखो, ये तो काफी ज्यादा निराश हो गया, ठीक है ना, जो नैरेटर थे, क्यों, क्योंकि उसने पूरा ब्लेजर कट कर दिया था इसने टोटो ने, ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वॉल जो था वो इतना डेकोरेटिव वॉल देखने में अब बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, वो ब्यूटीफुल पहले की तरह, ठीक है ना, जो डेकोरेटिव था वैसा दिख नहीं रहा था। ओके, इन स्पाइट ऑफ दैट, ये जो ग्रैंडफादर को उसने देखा, तो वो बता रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर अभी भी किसी चिंता में नहीं थे, वरी में नहीं थे, इवन वो तो खुश थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, जो कुछ भी टोटो ने किया था, ठीक है ना, उसके वर्क से वो क्या थे, खुश थे। और देखो उन्होंने रिप्लाई मुझे क्या किया, वी हैव टू लिसन दैट, ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, टोटो क्या है, काफी क्लेवर है, काफी चतुर है, ठीक है ना, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडोज। ओके,
और उन्होंने बोला कि अगर तुमने टोटो को समय दिया होता ओके एवरीवन, तो वो क्या करता, जो तुम्हारी ब्लेजर को कट किया है ठीक है ना छोटे छोटे पीस में, उसको वो क्या करता कि उसको वो टाइट करता, बांधता और इस खिड़की से वो उतर जाता। जैसे आपने जनरली मुंबई में देखा होगा ना कि वो क्लॉथ का यूज करके, इवन दुपट्टा का यूज करके वो लोग क्या करते हैं, नीचे विंडो से उतर जाते हैं, राइट? देखा है कि नहीं देखा है, टेल मी एवरीवन। यस सर, सभी ने देखा होगा, राइट? क्लॉथ का यूज करके वो कैसे, मूवी में देखते हो ना कि वो लोग नीचे उतर जाते हैं विंडो से। अपूर्वा बोलिए नो सर। ओके, तो सुन लो, आज तो मालूम चुप हो गया होगा, राइट? शुभम, यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक्सेल। ओके श्रीजा, हाँ वेरी गुड, एक्सेल मूवी, ठीक है। तो ऐसा ही इनका थिंकिंग था, इनके ग्रैंडफादर का, कि अगर हम इसे टाइम देते हैं तो डेफिनेटली इसको ये क्या करता, टाइट करता, बांधता और इस खिड़की से वो भाग जाता है, ठीक है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, और अभी तक भी उसका जो प्रेजेंस था वो रह रहा था, एकदम सीक्रेट तरीके से रह रहा था, एक्सेप्ट दैट ग्रैंडफादर और नरेटर, किसी को नहीं मालूम था कि टोटो इज लिविंग एट दिस होम, इस घर में टोटो रह रहा है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड्स पेट्स लिव वेरी सोशिएबली टुगेदर। ओके, अ टोटो इज, अब देखो देखते हैं, ठीक है। His presence is still secret. We have completed that. Toto was now transferred to a big case. देखो, Toto was now transferred to a big case. अब Toto कहाँ चला गया? तो ठीक है ना, अपने big case में चला गया। अरे बात समझ में? तो जो एक बड़ा सा केस था जहाँ पे बहुत सारे जू रहते थे। अपूर्वा, I will tell. मैं आपको बताऊंगा, ओके? Toto को कहाँ लेकर चला गया उन लोग? ठीक है ना, तो कहाँ लेकर चले गए? तो जहाँ पे और सारे एनिमल्स रहते थे, जहाँ पे सर्वेंट सबका, जो पार्टिकुलरली सर्वेंट उनके घर पे वर्क करते थे, जहाँ पर वो रहते थे वहीं पर जू था, एक प्राइवेट जू की हम लोग चर्चा किया ना स्टार्टिंग में। ओके, तो वो जू था जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट और भी वाइल्ड एनिमल को वहां पर उन्होंने रखा था, ठीक है। और वो लोग क्या रहते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, फ्रेंडली बिहेवियर था, सब एक दूसरे के साथ फैमिलियर थे। ओके, सोशियबली मीन्स होता है यही, फैमिलियर बिहेवियर होता है, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना, और वो रहते थे। अब देखो कौन कौन सा था यहाँ पे वाइल्ड एनिमल, अ टर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माय पेट्स गॉड, ठीक है ना। और वो बता रहे हैं कौन कौन सा, ठीक है, उन्होंने बताया। अरे बस समझ में ना, खूबसूरत से छोटे छोटे समीर, ओके। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेल मी एवरीवन, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। कहीं पे किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, समझ में आ रहा है? देयर इज सम क्वेश्चन? यस सर, गॉट इट सर। ओके, पेग मींस होता है, जैसे मैंने बताया, खुटी से बांधा हुआ जो रहता है उसी को पेग बोलते हैं। जब टोटो को बांधा गया था, अब जनरली अब वॉल में कैसे बांधा जाएगा, तो उसके पीछे एक पेग होगा, खुटी होगा, उसी में ना उसके शरीर को टाइट करके और पीछे उसको बांधा गया होगा, दैट इज कॉल्ड पेग। टेम, अब टेम आप पूछे हो, टेम मींस होता है पालतू, दैट इज पालतू। तो यहाँ पे हमने पालतू की चर्चा की, ओके? अक्षर सेक्टर सर, हियर इन द फर्स्ट लाइन मींस दैट द लिविंग ऑफ टोटो इन द हाउस इज नाउ आल्सो सेक्रेट
फ्रॉम द ग्रैंड मदर, यानी अभी भी वो जो रूम में रह रहा था वो सेक्रेट था उसके ग्रैंड मदर से, अभी तक उन्होंने ग्रैंड मदर को नहीं बताया था कि टोटो रूम में रह रहा है। ओके अक्षर वेटिंग, समझ में आया? टेल मी यस अपूर्वा। सर ही क्लेवर से सर नहीं समझ आया, क्या फिर से बोलिएगा? वो क्लेवर मतलब ना उन्होंने बोला कि टोटो क्या है, ग्रैंडफादर का ये सोचना था। जैसे कि आपने देखा उसने क्या किया था, ब्लेजर को कट कर दिया था, छोटे छोटे पीसेस में उसने काट दिया था, ठीक है ना, फाड़ दिया था, टियर कर दिया था। तो जब वो वहां पर आए तो क्या था, नैरेटर जो था वो काफी ज्यादा शॉक था, सरप्राइज था कि अगर ये सारा कुछ ग्रैंड मदर देखेंगी तो वो क्या बोलेंगे। ओके ठीक है ना, काफी ज्यादा नैरेटर क्या था, तो वरी था। बट इफ वी टॉक अबाउट द ग्रैंडफादर ऑफ नैरेटर, वो वरी नहीं थे, वो प्लीज थे, अभी भी वो क्या थे, तो खुशी थे। और उन्होंने बोला कि टोटो क्या है, काफी ज्यादा क्लेवर है। ओके अपूर्वा आई टोल्ड दैट, ठीक है ना, काफी क्लेवर है कि अगर हम लोग थोड़ा सा उसको समय देते, टाइम देते, ओके, तो वो क्या करता, उसको टाइड करता जो उसने छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, ब्लेजर को कट किया है, टियर किया है, फाड़ा है उसको, उसको वो टाइट करता और विंडो से उसके सहारे वो नीचे की तरफ आ जाता, राइट? आ रही बात समझ में ना? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो यहाँ तक वो बताया था रीजन, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बताया कि आप देखते हो जनरली मूवी में ऐसा होता है कि क्लॉथ के सहारे नीचे उतर जाते हैं, राइट? मैंने बताया ना पूर्व, तो यहाँ पे वही चीज को वो सेम बताना चाहते हैं कि टोटो क्या है, ठीक है सर, ईच एंड एवरीथिंग इज फुली क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू। ओके ठीक है, तो उन्होंने ये बताया। ओके अपूर्वा आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। पेग का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को? टेम का मतलब समझ में आया? टेम क्या होता है? पालतू होता है, ठीक है, पेग मीन्स होता है, जैसे मैंने बताया खूटी, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, मैंने इसके बारे में बताया। अब जाहिर सी बात है, एज यू कैन सी बिहाइंड मी देयर इज अ वॉल, एक वॉल है ना, अगर इस चीज पर मुझे कोई भी चीज को हैंग करना होगा, देयर शुड बी अ पेग, क्या होगा, खूंटी होगा तभी ना, या सपोज करो किसी को टाइड करना होगा, ठीक है, सपोज करो कि मुझे आदित्य को ही यहाँ पे लाकर बांधना है, ठीक है, काफी ज्यादा शरारत करता है, बदमाशी करता है, तो क्या करेंगे, ठीक है ना, इसके बगल में मैंने क्या किया, रॉप बांधा और वहां पर ले जाकर सेंटर पे उसे मैंने, ठीक है ना, बांध दिया, ठीक है। अब ये सपोज करो, इसको और अच्छे से समझ लो, ठीक है, अब आदित्य क्या है, थोड़ा सा इसमें ताकत है उसका, उसने यूज किया और घिसते घिसते देखा कि सर एक घंटे से नहीं आ रहे हैं, ये हो गया कि एक घंटे तक आपने मुझे पनिशमेंट दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, फिर 2 आवर्स हो गया, आफ्टर दैट उसने वेट किया, नहीं आया, अब उसका जो टॉलरेशन का पावर खत्म होता है और उसने डायलॉग बोला कि शक्ति दे मां, ठीक है, और उसने क्या किया, खींचा अपने बदन को, तो वो वॉल के साथ क्या हुआ ना, जो उस पर का प्लास्टर था, जो पेंट था, जो इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में, वो भी निकल जाता है, ठीक है, अब केवल उसके अंदर का ब्रिक्स दिखाई देता है, ठीक है, तो जो वो घर डेकोरेटिव था वो क्या क्लास डेकोरेटिव रह गया, जो ये क्लास है आपका, आदित्य ने जैसे ही खींचा वो पहले क्या था, तो काफी ज्यादा डेकोरेटिव था, सुंदर था देखने में, क्या वो ऐसे ही सुंदर रह जाएगा, टेल मी यस और नो, टेल मी एवरीवन, reply me fastly, yes or no, no 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 no, very good, तो वैसे ही हुआ था यहाँ पे टोटो के साथ, narrator के रूम में ले जाकर उसे वो क्या करते हैं, छिपाते हैं, और छिपाने के लिए वो क्या करते हैं ना, उसे बांध देते हैं, क्योंकि अगर उसे छोड़ देते तब तो वो इधर से उधर जाता, आवाज नहीं करता, and everyone knows about it, उसके बारे में सभी को ही जान जाते, okay everyone, तो हमने ये देखा, अब I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक पूरा चीज, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे वो ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, तो केज में, ठीक है ना, पिंजरा में, जहाँ पे और सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वो कहाँ है, तो जहाँ पे नैरेटर के घर में, उसे ग्रैंडफादर के घर में, जो बहुत सारे सर्वेंट्स वर्क करते हैं, काम करते हैं, और उनका एक परमानेंट प्लेस है जहाँ पे वे लोग रहते हैं, राइट, तो वहीं पर उन्होंने एक क्या बनाया था, एक छोटा सा जू हाउस, मतलब कि प्राइवेट जू था, जो हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं इसके बारे में, ठीक है ना, जो हमने स्टार्टिंग में भी हंसु बोल रहे हैं कि सर खराब हो गया बाल, हाँ वही जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, प्राइवेट किया था कि नहीं किया था, टेल मी एवरीवन, किया ना, ओके अब चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, साकेत आई विल टेल यू,
अभी तक सारा कुछ जो मैंने बताया था वो क्लियर कर दिया, ट्राई टू लिसन मी, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ओके एवरीवन, यहां तक समझ में आया क्लियरली? अब देखो, तो बिफोर गोइंग दैट टोटो एट दैट प्लेस, टोटो को वहां पर जाने से पहले और जो भी एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे वहां पे, कौन था? तो टर्टोइस थे, ठीक है ना, रैबिट था, स्क्वायरल थे, तो टेमिस होता है, ठीक है ना, पालतू स्क्वायरल, ठीक है ना, जिसको इन्होंने पेट किया, पाला है, तो वे सभी, और गोट भी थी, ठीक है ना, ठीक है, तो वो सभी एक दूसरे से क्या, तो फ्रेंडली बिहेवियर बनाकर, काफी अच्छा एटमोसफियर था, ठीक है ना, कॉपरेट करते थे, एक साथ रहते। जनरली आप ये सब एनिमल में नहीं देखे होंगे, बट यहाँ पे बताया गया है। बट जैसे ही ये जाता है, अब इसके बाद सीन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, विच वी हैव टू रीड, जो हमें पढ़ना है और ये दिया गया है, इट हैज आल्सो गिवन हियर, वी हैव टू रीड अबाउट इट, ओके एवरीवन। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Okay, अब देखो क्या हुआ? अगले दिन grandfather को कहाँ जाना था? ठीक है ना? तो pension के लिए कहाँ जाना था? Saharanpur जाना था, ठीक है ना? तो Dehradun क्या करना था? Leave करना था. It means वो लोग particularly Dehradun में रहते थे. और पेंशन के लिए उन्हें कहाँ जाना था? ठीक है, उन्हें जाना था सहारनपुर। अब पेंशन क्या होता है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है ना, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं अपने वर्क से, उसके बाद उनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है पर मंथ, दैट इज कॉल्ड पेंशन, दैट इज कॉल्ड पेंशन, उसी को क्या बोलते हैं, पेंशन। वही पेंशन लेने के लिए उनको क्या था, तो अगले दिन कहाँ जाना था, तो सहारनपुर जाना था, ओके एवरीवन, तो जाना कहाँ था, सहारनपुर। और यहाँ पे तो ये अच्छे तरीके से फ्रेंडली बिहेवियर बनाकर नहीं रह पा रहा था सभी के साथ, ये काफी ज्यादा मिशीवियस था, जैसे आपने पढ़ा, ठीक है। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड क्या किया कि मैं इसको अपने साथ लेकर कहाँ जाऊंगा, कहाँ लेकर जाऊंगा इसे, तो मैं इसे अपने साथ लेकर, आई विल गो विद हिम, वेयर, टेल मी एवरीवन, सहारनपुर, कहाँ लेकर जाऊंगा, सहारनपुर लेकर जाऊंगा। अब देखना इसके आगे क्या होता है, सपोज करो एक सीनरी आप लोग विजुलाइज करो, व्हाट विल यू रिएक्ट, हाउ विल यू रिएक्ट, आप कैसा रिएक्ट करिएगा, ओके। सपोज करो एक प्लेटफॉर्म है, देयर इज अ प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे एक बॉक्स रखा गया है, एक बैग रखा गया है, एंड वो क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है अपने आप, खुद अपने आप टर्न कर रहा है या जंप कर रहा है, देन हाउ विल यू फील, आप क्या फील करोगे, स्ट्रेंज सा फीलिंग होगा, ठीक है ना, काफी ज्यादा आप लोग फोकस होकर देखने का होगा आखिर क्या है उधर, नियर तो नहीं जाओगे, हो सकता है कि कुछ और दूसरा कुछ बम हो जो, ठीक है ना, या घोस्ट हो, आप लोग ये भी करिएगा, ठीक है ना, उसे बोलिए कि सर स्क्रीन चिल्लाने लगेंगे घोस्ट, अपूर्वा बोलिए घोस्ट मंकी है, देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग सोचने लगे, तो देखो होता क्या है, समीर ये नहीं है दिया हुआ, ठीक है ना, यू कैन सर्च इट, समीर वहीं पे होगा आसपास में कहीं, ओके अब देखो होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी माय ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है ना, अब ये बता रहे कि जो नैरेटर है कि अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ नहीं जा सका उस ट्रिप पर, ओके, बट उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया वहां से आने के बाद, आफ्टरवर्ड मींस होता है तत्पश्चात, ओके, सो यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। A big black canvas kit bag was provided for Toto. ठीक है, तो देखो वहां पर जाने से पहले इन्होंने क्या प्लान बनाया, एक बहुत बड़ा सा बैग, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग सा बैग, उसी में क्या करेंगे, तो इस टोटो को रख कर पैक कर कर, एंड आई विल, इसको मैं लेकर अपने साथ जाऊंगा, ओके, कौन, ग्रैंडफादर ने ऐसा प्लान बनाया, ओके, अब वो क्या करते हैं, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उन्होंने नीचे क्या किया, कुछ जो होता है ना स्ट्रॉ टाइप का, स्ट्रॉ आप देखिएगा लकड़ी टाइप का, झाड़ी टाइप का जो होता है, उन्होंने नीचे की तरफ रख दिया, बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और ये उसका क्या हो गया, नया घर हो गया, अबॉर्ड मींस क्या होता है, होम, ओके एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबॉर्ड, तो होम, वो एक नया घर बना दिया उस कैनवास में उन लोगों ने। Then the bag was closed. उसके बाद उन्होंने क्या किया, बैग को क्लोज्ड किया, देयर वॉज नो एस्केप, और उसमें से कोई भी जगह नहीं था बाहर भागने का, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, एंड कैनवास वॉज टोटो टू स्ट्रॉन्ग him to bite his way through. अब देखो होता क्या है, when the bag was closed there was no escape,
जब बैग को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एनी स्पेस जहां से वो बाहर निकल सके. ओके, इट मींस टोटली वो पैक हो गया और उसी के अंदर था. ओके, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड हिज कैनवास वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. ठीक है ना, अब वो कैनवास जो था बैग का, ठीक है, वो भी इतना स्ट्रांग था कि उसको अपने टीथ से बाइट करके नहीं कर सकता है. ठीक है ना, इट मींस उन्होंने ऑलरेडी पहले से प्री प्लान किया था इसको कैसे मैं लेकर जाऊंगा और सारा कुछ उन्होंने अच्छे तरीके से सोच लिया था कि अगर बैग जो है वो कैनवास अगर कमजोर रहेगा तो इसे क्या कर देगा, कट कर देगा. ठीक है, बट वो ऐसा नहीं था, काफी ज्यादा स्ट्रांग था, टू स्ट्रांग था. ओके, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मंकी. द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, ऑकेजनली जंप इनटू द एयर एंड एग्जीबिशन दैट attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platforms. Okay, अब जैसे उस बैग को उन्होंने क्या किया था, रखा था, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म पे, तो ये तो क्यूरियस था, काफी ज्यादा चाहता था कि मैं उससे अपने हैंड को बाहर निकालूं, अपने बॉडी को बाहर निकालूं. उसके लिए वो क्या कर रहा था, टर्न कर रहा था अपने आप को, ठीक है ना, टर्न कर रहा था, इधर से उधर टर्न कर रहा था. ओके, और क्या कर रहा था वो, तो अपने आप को क्या कर रहा था वो, तो टर्न भी कर रहा था वन साइड टू अनदर साइड एंड एज वेल एज वो क्या कर रहा था, तो जंप भी कर रहा था. तो जब बैग के अंदर ये सारा कुछ एक्टिविटी चल रहा हो तो प्लेटफॉर्म भी केवल वो ग्रैंडफादर ही नहीं ना होंगे, उसके साथ बहुत सारे लोग भी होंगे, ट्रेवलर्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, पैसेंजर वहां पे पीपल क्राउड होगा, ऑनलुकर्स, तो वो सारे लोग उसको देख रहे थे उस बैग को और अट्रैक्शन बन गया था, सभी को देख रहा था कि आखिर बात उस बैग के अंदर है क्या. ओके एवरीवन, आ रही मेरी बात समझ में. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. ठीक है ना, टोटो क्या था, तो अभी भी उस बैग ही में था सहारनपुर तक. बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल. अब देखो टर्न स्टाइल क्या होता है, सबसे पहले समझना टर्न स्टाइल. जैसे कि आप देखे होंगे, ठीक है ना, दिल्ली में जहाँ पे, ठीक है ना, मेट्रो हो होता है वहां पे, आप देखिएगा कि आप जब टिकट को इंटर करती हो एक जो बॉक्स होता है उसमें, तो क्या होता है, गेट आपका खुल जाता है. इट मींस दैट यू हैव टेकन टिकट, आपने टिकट लिया है. ओके, जब तक आपके पास उसका टिकट नहीं रहता है वो गेट ओपन नहीं होता है. ओके एवरीवन, सो दैट इज कॉल्ड टर्न स्टाइल हियर. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न स्टाइल. तो जब ग्रैंडफादर ने अपने बैग को रखा, ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहे थे उस टिकट को, इंटर कर रहे थे. ओके, आई बात समझ में. ओके, टोटो सडनली पॉप्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन. ठीक है ना, अब वो क्या करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने अपने टिकट को क्या किया कि एंटर किया, गेट तो खुला, हरी बस समझ में, तब तक इधर टोटो उस समय से ट्राई कर रहा था बैग से बाहर निकलने के लिए. वो क्या करता है, अपने हेड को कैसे भी करके बाहर निकालता है. तब तक वहां पे जो टिकट कलेक्ट करने वाला रहता है, ठीक है ना, वो उसकी तरफ देख लिया. हाँ अंशु, उसी काम कर रहा था. ओके, अब जैसे ही देखो देखता है टिकट कलेक्टर, ठीक है ना, अरे बात समझ में. मंकी को तो वो पहले क्या बोलता है उसको हम लोग समझते हैं, द पुअर मैन वाज टेकन अबैक. अब देखो यहाँ पे पुअर मैन क्या है, पुअर मैन यहाँ पे बोला गया है किसको, तो ग्रैंडफादर को, मतलब कि बेचारा. यहाँ पे पुअर मैन का मतलब क्या है, बेचारा. वो क्या कर रहे थे, उसे बैग अंदर की तरफ कर रहे थे, ठीक है ना, ये कौन बोल रहा है, तो टिकट कलेक्टर अभी हम लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना. बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर एनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू. अब जब उसको इंटर कर रहे, काफी ज्यादा क्या थे वो, गुस्सा में थे. कौन, तो ग्रैंडफादर, ठीक है ना, किसके, नैरेटर के ग्रैंडफादर. किसको इंटर कर रहे थे, फिर अंदर की तरफ कर रहे थे, टोटो को, मंकी को. अब बोलते हैं, ठीक है, टिकट कलेक्टर क्या बोलते हैं कि he said, sir, you have a dog with you. आपके साथ एक डॉग है. अब आपको सुनने में आएगा वो तो था मंकी, उसने देखा कि मंकी, इन स्पाइट ऑफ दैट वो क्या बोल रहा है कि वो डॉग है. ओके, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है ना, आप डॉग को लेकर ट्रेवल करते हो तो उसका चार्जेस लगता है. ओके, तो यहाँ पर टिकट कलेक्टर का कहने का मीनिंग ये था कि ये जो क्रिएचर है, ठीक है ना, अभी बात समझ में, ये किसके अंडर आता है, तो डॉग के ही कैटेगरी में आता है. जैसे कि मैं चार्जेस लेता हूँ डॉग का ट्रेवल करने का एक जगह से दूसरी जगह का, यहाँ पर आपके मंकी का भी लगेगा. ओके, तो वो इनडायरेक्टली वे में उनसे वो कहते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली.
और आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, ठीक है। इन वेन मींस होता है ना बर्बाद हो जाना, उन्होंने तो काफी कोशिश किया उसे बैग के अंदर ही रखने का, बट ऐसा हो नहीं पाया, दैट इज कॉल्ड इन वेन, यानी कि वेस्ट हो गया उनका करना। ओके एवरीवन, उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम लोग इन वेन। समझ में आ रही मेरी बात सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी एवरीवन, सभी को समझ में आ रही है ना मेरी बात? से यस और नो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो होता है क्या है यहाँ से, अब ये क्या कर रहे हैं इसके ग्रैंडफादर, ठीक है ना, काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश किया समझाने को, बट ये भी क्या रहा, बेकार रहा, कि ये मॉन्की है, यू कैन सी दैट, आप इसको कैसे बोल रहे हो कि वो डॉग है? ओके, हाउ कैन यू से दैट कि ये डॉग है? ओके एवरीवन, तो ये सारा कुछ को ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा बहस भी होता है इनका, ठीक है ना, टिकट कलेक्टर से। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मॉन्की डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और वो बताना चाहते थे कि सर जो आप एक डॉग का जो चार्जेस है वो मंकी से आप कैसे ले सकते हो? इवन इफ यू टॉक अबाउट डॉग, दे हैव 4 feet, डॉग्स के कितने फैट होते हैं, तो 4 feet होते हैं, ठीक है ना, और इवन एज अ क्वाड्रप मींस क्या होता है, 4 feet, ठीक है ना, उनके कितने फीट होते हैं, 4-footed एनिमल। यस समीर, क्वाड्रप मींस होता है 4-footed एनिमल। ओके, तो वो ना होता है जनरली अगर हम मॉन्की की बात करते हैं, इट हैज ओनली 2 feet, इसके तो दो ही पैर है। टोटो वाज क्लासिफाई अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। ओके, अब देखो होता क्या है, लेकिन तभी भी टिकट कलेक्टर ने इस बात को नहीं माना, आ रही बात समझ में, और उसने उसे क्वालिफाई किया, मतलब कि ये जो है सिमिलर कैटेगरी में आएगा, जो कि डॉग का चार्जेस है वो लगेगा, और वो क्या करता है, 3 rupees उनसे उन पर चार्ज करता है उसका किराया जो उन्होंने टिकट कलेक्टर को दे दिया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो देखो जैसे अब वो तो पैसा तो उन्होंने 3 rupees दे ही दिया था, बट वो क्या थे, तो काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब उन्होंने अपने पॉकेट में से एक टॉर्टोइज को निकाला और बोला कि ठीक है चलिए, आपने तो मॉन्की के लिए 3 rupees मुझसे फेयर ले लिया, अब इसके लिए बताइए मुझे कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, बताइए और मैं आपको दूंगा, क्योंकि सारे एनिमल के लिए आप ले रहे हैं पैसा, ठीक है ना, अपना जो किराया है उसके लिए आप ले रहे हो, तो आप बताओ इसका कितना चार्जेस लगेगा, आई विल पे यू। ओके, अब देखो द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज प्रोडेड इट, अपनी उंगली से क्या करते हैं, ठीक है ना, विथ 4 fingers गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्प्ड look and said no charge, it is not a dog, ठीक है ना, ठीक है, उसको क्या करते हैं, push करते हैं, product means क्या होता है, push करना, okay everyone, product means क्या होता है, तो उसे push किया उन्होंने अपने finger से, और ठीक है, और एक smile देकर बोलते हैं, ठीक है ना, कि इसके लिए कोई charge नहीं लगेगा। तो क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आया story? Tell me everyone, क्या सभी को समझ में आया? Tell me. Speak everyone. No doubt, sir. Srija, yes, sir. Very good. Very good, Srija. Samir, yes, sir. Okay, very good. Kusum, yes, sir. Very good. I got it. Ananya, yes, sir. Asta, Kusum, no doubt, sir. Very kya likhi ho, Saket? Tell me. No doubt, there is no doubt, Srija. Okay, Srija, I will ask to you also, Srija Rathod. Yes, TC push karte hain usko. प्रोडेड मिस होता है पुश करना, ठीक है ना, गेटिंग नाउ, टेल मी हु विल स्पीक फर्स्ट, हु विल स्पीक फर्स्ट द समरी ऑफ श्रीजा अपूर्वा, वेरी गुड, ओनली 2 girls, दे हैव रेज्ड देयर हैंड, अनन्या, वेरी गुड, दृष्टि, आई हैव सीन दैट, श्रीजा अपूर्वा, अनन्या, दृष्टि, आफ्टर दैट श्रेया राठौर ऑल्सो, वेरी गुड, लेट मी सी, आई हैव फीवर, कोई बात नहीं, कुसुम आपने क्लास को अटेंड किया, दिस इज अ ग्रेट थिंग, ओके, और मेरे तरफ से आपके लिए क्लैपिंग, आपने इतना करेज दिखाया, ठीक है, हैविंग अ फीवर इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर अटेंडिंग द क्लास, दिस इज अ बिग थिंग, ओके, वेरी गुड कुसुम, वेरी गुड, आई आल्सो वांट टू से कनिष्का, ओके कुसुम, यू हैव डन इट, ओके, डोंट से थैंक्स, यू हैव डन,
99.8 आई थिंक समीर सही में झूठ बोल रहे हो? समीर बोल रहे हैं कि सर आई एम 99.8 फीवर, सही में समझ लेना समीर, नहीं तो माता रानी मालूम है ना। वेरी गुड समीर, फीवर होने के बावजूद भी आप ही क्लास को कर रहे हो, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है आप लोगों का वर्क। यस तनिषा, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स, ओके, रिकॉलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके वेरी गुड। सो लेट मी फर्स्ट आस्क टू श्रीजा बिकॉज शी हैज रेज्ड हर हैंड फर्स्ट, आफ्टर दैट अपूर्वा एंड देन आफ्टर वृष्टि, आफ्टरवर्ड्स श्रेया राठौर and after that Kaniska, right Kanisk, okay so let us start so chaliye sabse pehle hum log Srija se sunte hain. Good evening sir. Good evening. In this chapter we read about a baby monkey. Narrator tells that his grandfather brought a monkey Toto from a Tonga driver and fellow to his private zoo. The monkey was pretty, his bright eyes tells mischief, and the Anglo-Indian ladies frightened when the monkey smiled. But his hand was too dry like pickles. Grandfather believed a tale would to anyone's good look. But grandmother always annoyed when grandfather brought new animals. So they decided to hide Toto from grandmother and tied Toto. But when they come from few hours, they saw Toto destroy the decoration of ball. Toto cuts the narrator's blazer in small pieces. But grandfather didn't worry. He saw Sridhar, that Toto. Give me a minute. Yes, sir. Open your camera and after that speak. Open your camera, Sujan. Okay. Yes, sir. Yes, Toto cuts the narrator's blazer in small pieces. But the grandfather didn't worry and saw that Toto was too much clever. But narrator and grandfather transferred Toto in zoo. But next day, narrator have to go in Shaharampur place for some work. So they decided to carry Toto with him in his journey. They carry Toto in a big bag. But Toto tried to come out from bag. Unfortunately, ticket collector saw Toto in bag of grandfather and asked him, "Would you have a dog with him?" So grandfather react and saw that no, I didn't have dog, but ticket collector is so clever and they saw you have to charge the dog because you have carry a pet. Because you have carry a pet, sir. Okay, Srija, as you have spoken today, as you have said today, it is really very good. Because after listening and you are trying to speak in a first time English, this is really a very good. Okay, and as you are using, what you have to do, Srija, next, that as you are trying to speak each and everything, and as you are practicing, you are enhancing yourself directly speaking in English. This is really a very good. But what do you have to do? First of all, today, as you have read about the half of the story, you have to write from your own self. Okay? And don't take the help of anything. If you are just forward in wide understanding about any words, then you have to take the help of dictionary. Okay? And after that, write each and everything. If it is not happening in one time, try to write another time. Okay? But if you do such kinds of practice, it will help you a lot. And the next day when you speak, it will be very fluent and without any stammer. But as today you have spoken, it is really appreciable and very good, Srija. Very good. Thank you, sir. Next, Apurva. Apurva.
Apurva, yes, speak. Yes. Open your camera also. Switch on okay. The camera. Okay. Start. Yes, sir. एक दिन grandfather ने Tonga driver से एक टोटो खरीद के लाया जो एक मंकी है और 5 rupees में और उन्होंने देखा कि जहाँ पे टोटो रखा हुआ था वो उसके लिए गुड प्लेस नहीं है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर लाएंगे और एक प्राइवेट जू में उसको रखेंगे और फिर वो जब अपने घर लाते तो वो साथ मतलब वो देखते कि उसकी ग्रैंड मदर हमेशा एंग्री हो जाती है जब भी वो कोई भी एनिमल को घर से लाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें छुपा के रखने के लिए वो अपने रूम में वॉल से इसको पहले बांध के रख देते हैं फिर वो कुछ घंटों के लिए चले जाते हैं फिर वो आते हैं तो देखते हैं कि वो जो जिसे बांधा हुआ था टोटो वो उसको तोड़ दिया है और जितने भी जो वॉल्स जितने डेकोरेशन उस पे किए हुए थे वॉल्स वो सारे ही खराब हो गए हैं तो नैरेटर का जो स्कूल ब्लेजर उसने उसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिए थे पूरे फिर वो नैरेटर बहुत ही वरी हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ग्रैंड मदर को ये पता चलेगा कि वो क्या कहेंगी फिर वहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं तो वो बोलते कि कोई बात नहीं मैंने इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा ये चाहता था वो विंडो से स्टेप की कर चाहता था बट वो ये घर में रहना चाहता है फिर उसके बाद वो अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाते हैं फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं इसे सहारनपुर नहीं ले जाऊँगा तो ये घर में सबको पता चलेगा कि एक मंकी रहता है तो वो उसके साथ वो सहारनपुर ले जाते हैं और वो एक उसे एक बैग में उसे बांध देते हैं उसके बाद फिर वो उसे ले जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पर वो जाते हैं और टिकट खरीदते हैं तो सिटी उन्हें देखते हैं तो बोलते हैं कि और वो जिसमें वो रहता है टोटो रहता है बाहर एस्केप करना चाहता था और वो इधर से उधर वो हिल रहा था फिर बहुत सारे लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं इस बैग में क्या है कि अचानक अपने आप रहा है इस टाइप का फिर वो वहाँ पे टिकट कलेक्टर फिर वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पास एक डॉग है तो अगर आपके पास डॉग है तो आपको फाइन देना पड़ेगा तो वो उन्हें समझाती कि नहीं ये डॉग नहीं ये एक मंकी है लेकिन वो टिकट कलेक्टर नहीं मानते हैं तो वो जिसमें टोटो था उस बैग को टच करके देखते हैं और बोलते हैं कि सॉरी ये एक डॉग नहीं है ये मंकी है तो आपका फाइन नहीं लगेगा थैंक्स अपूर्वा यहाँ पे लास्ट में आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया यहाँ पर जो था एज आई टोल्ड मे बी आपने सही से नहीं सुना यहाँ पर वो 3 rupees फाइन करते हैं अपूर्वा राइट वो फेयर देते हैं मंकी का वो बताते हैं यहाँ पर ठीक है ना कि ये जो आपका मंकी है इसी कैटेगरी में आएगा ओके पुरवा ठीक है तो उसका तो यहाँ पर उन्होंने फेयर दिया ही था 3 rupees वो अपने पॉकेट से घुसा कर क्या करते हैं टॉर्टोइस को निकालते हैं ठीक है ना ठीक है और वो दिखाते हैं बोलते हैं कि जैसे आपने सभी एनिमल्स का आप चार्जेस ले रहे हो फेयर ले रहे हो तो इसका कितना लगेगा मुझे आप बताओ तो वो क्या करते हैं स्माइल देते हुए और बताते हैं कि नहीं इसका कोई आपको चार्जेस नहीं लगेगा ओके पुरवा गेटिंग अपूर्वा क्या समझ में आया आपको ओके नेक्स्ट दृष्टि यस सर टू नैरेटर जो रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर कैमरा एंड आफ्टर दैट स्पीक यस सर नैरेटर के जो ग्रैंड पे रहते हैं वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदते हैं जो कि 5 rupees में खरीदते हैं ये जो टोटो रहता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मंकी रहता है वो बहुत ही प्रिटी रहता है उसकी आईज जो रहती है वो बहुत ही ब्राइट रहती है उसकी जो टेथ रहती है वो एकदम मोतियों की तरह
वाइट रहती है और जब वो स्माइल करता है तो उसे जब एंग्लो इंडियन लेडीज देखती हैं वो डर जाती हैं उसे देख के। फिर जब ग्रैंडफादर उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि उसके हाथ ऐसे सूखे हुए हैं जैसे लग रहा है कि वो पीकल्स की तरह है। फिर जब ग्रैंडफादर घर में लाते हैं तो वो सोचते हैं कि ग्रैंडमदर जो रहती हैं वो हमेशा मना करती हैं, रिफ्यूज रहती हैं किसी भी एनिमल्स या पेट्स को घर में लाने के लिए। फिर जब वह घर में आते हैं तो वह अपने वो नैरेटर को दिखाते हैं तो वो सीक्रेटली उसको नैरेटर के रूम में रखते हैं जहाँ वह अलमीरा में रखते हैं। वहाँ अलमीरा में जो भी डेकोरेटिव वॉल्स लगे हुए थे और जो नैरेटर के कपड़े थे वो सारे को टोटो फाड़ देता है और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब अगर हम लोग थोड़ी देर बाद आते तो ये तुम्हारी कपड़े को फाड़ के रूप बना के यहाँ से भाग जाता। और फिर वह उसे सर्वेंट क्वार्टर में और एनिमल्स जहाँ रहते थे वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। और वहाँ पर पेयर ऑफ रैबिट्स रहते हैं, टॉइज रहते हैं और भी अदर एनिमल्स रहते हैं। वहाँ पर टोटो जाता है तो वहाँ वो किसी को भी सोने नहीं देता और बहुत ही परेशान करता है। और फिर अगले दिन ग्रैंडफादर उसे अपने साथ सहारनपुर पेंशन कलेक्ट करने के लिए लेके जाते हैं। तो वहाँ पर वो एक कैनवास के बैग में उसे लेके जाते हैं। कैनवास का बैग बहुत ही मजबूत रहता है इसलिए टोटो वहाँ से मतलब बस हिल ही पाता है और भाग नहीं पाता है। तो जब वो लेके जाते हैं तो जब वो सहारनपुर के स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर रहते हैं तो वो देख लेते हैं कि वो सोचते हैं कि इनके पास एक डॉग है। तो वो बोलते हैं कि आपको इस डॉग के हिसाब से भी पे करना पड़ेगा। तो फिर वह फिर ये जो ग्रैंडफादर रहते हैं वह उनसे बोलते हैं कि ये डॉग नहीं है ये मंकी है इसलिए मुझे नहीं पे करना होगा। तो फिर उन्हें 3 रुपीज बाद में देनी पड़ जाती है। फिर उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकालते हैं और बोलते हैं क्या मुझे इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। तो जो टिकट कलेक्टर रहते हैं वो बोलते हैं नहीं आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड दृष्टि, यू हैव सेड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट श्रेया, श्रेया स्पीक। Yes, Shreya, speak. Yes, sir. This story is... First of all, you have to open your camera. Okay, and after that, speak. Okay, sir. This story is written by Ruskin Bond, and in this story, we will look for a mischievous pretty monkey. That is Toto, whose name is Toto. In this chapter, narrator's grandfather is fond of animals, and so one day when he saw a tonga driver with a pretty monkey, then he realized that this is not the best place for this monkey. He bought that monkey for ₹5. And then he took that monkey with him to his home. And that the name of that monkey was Toto. It was very pretty. It was very pretty. But whenever Anglo-Indians sees its smile, then it seems terrific. And grandfather and narrator has decided to keep Toto secretly in their home because they know that grandmother didn't love animals, and so they decided to keep it secretly. Grandfather took
grandfather kept Toto in the room of narrator and he just fastened it to the wall. After some time, so when he and narrator came to the room, then they saw that the Toto was not there, and he has just make everything wrong. They found that the walls were damaged. Narrator's shirts were also damaged. Its school blazer was wrenched, and each and everything was disturbed. But, very good, Shreya. Very good. You have discussed very well about it. Now, so next turn goes to Kanishka because we have less time. Okay, Shreya, I will give you much more time for speaking in your next class. Okay, so Kanishka, do you want to speak? Start, Kanishka. Let me unmute you. Yes. Good evening, sir. Good evening. The Adventure of Toto was an amusing story written by Justin Bond. Narrator grandfather was an animal lover. He had a private zoo. He bought a monkey. Baby monkey with name from a tanga driver and name is Toto. The narrator grandmother did not like pet, so Toto was kept in a little closet which opened into the narrator room. Toto tore off the school blazer. He also peeled off the plaster. Toto was kept with other animals where he did not allow them to leave his school. The grandfather had collect his pension from Saharanpur, so he was accompanied with grandfather in a bag. He poked his head out of the bag and came into the office. Kanishka, are you speaking from your own self, Kanishka? Yes, sir. Whatever the words and sentences you are speaking, are you speaking from your own self? Or you are taking the help of something? Yes, sir. Or are you taking the help of something while speaking, each and every word which you are speaking right now? So try to speak from your own words. Okay, don't see on the copy and after that you have to speak. Don't do like that. Whatever you have to speak, you can take a clue from your notebook. While speaking, any topic or any summary, you can take a clue. Aap ek clue le sakte ho. Okay, and after that you have to speak each and every points from your own self. खुद से बोलना है. अब जो कनिष्क के बाद जो है जिन्होंने hand raise किया है, I will ask to them. Okay, मैं उनसे पूछूंगा in your next lecture. Okay, ठीक है. इसका एक next lecture होगा where we have to also complete the chapter and after that poems too. Okay, everyone. So कनिष्क, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, you have to do practice. Okay. और देखो कि वो क्लू लो, इफ यू आर स्पीकिंग ईच एंड एवरीथिंग वेयर यू हैव रिटन, सो दिस इज नॉट गुड, ये गुड नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा. ओके, बट यू कैन टेक अ क्लू. आप एक क्लू कार्ड पे बना कर रख सकते हो दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पॉइंट आई हैव टू स्पीक अबाउट दैट पॉइंट, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आई हैव टू स्पीक, आई आल्सो वांट टू टेल इन द नेक्स्ट क्लास. यस रिया, आई विल गिव यू चांस, डेफिनेटली आई विल गिव चांस टू एवरीवन. Kanishka, you have to listen. Kanishka, have you heard my all the words? क्या आपने मेरी सारी बातों को सुना? I did not say you. मैंने आपको नहीं बोला कि अभी आपको ये कैमरा को ऑफ करना है. I'm talking to you. Okay, तो चलिए आज जो भी हमने पढ़ा half of the chapter, इसमें किसी को कोई problem नहीं है. And you have to know that. आपको ये भी जानना है. What is your homework? तो आपका homework यही है that you have to write the summary of this chapter. और examination जो होने वाला है, आपका test होने वाला है, okay? तो उसको लेकर आप जितना आपसे objective question हो सके, you have to see regarding your chapter जो मैंने आपको दिया है for your examination syllabus, okay? This is your work, okay everyone? तो आज के लिए class को इतना ही रखते हैं. Have a nice day to all of you. अभी तक जितना मैंने पढ़ाया आप समरी लिखो एंड ट्राई टू स्पीक फ्रॉम योर ऑन वे. थैंक यू सर, गॉट इट एवरीथिंग. थैंक यू दृष्टि, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.